हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आप सभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मैंने अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे उस एप्लीकेशन को जिसके थ्रू हम ये सारा काम करने वाले हैं। तो हम आज यूज़ करेंगे मोबीक्विक एप्लीकेशन का। आप में से मैक्सिमम लोगों के पास में मोबीक्विक एप्लीकेशन होगा ही होगा। मेरा ये जो एप्लीकेशन है अपडेटेड है, तो मैं यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ऐप ओपन होने के बाद में नीचे में आपको ऑल सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप आ जाओगे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, और यहाँ पर आपको बैलेंस जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है उस वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, यानी जो वॉलेट है ना आपका उसे आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपने लोड मनी करना है। मैं सीधे मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको घुमाऊँगा नहीं। और यहाँ हमने ऐड मनी करना है, ऐड मनी पे क्लिक करेंगे और हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप महीने में 2500 रुपये लोड मनी करोगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन यहीं पर अगर आप 3000 रुपये या 2500 से ज़्यादा अमाउंट आप ऐड करोगे तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यानी 2500 को छोड़कर 2500 अगर 1 रुपये भी आप ऐड मनी करने जाओगे तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा, लेकिन 2500 रुपये जो है हर महीने या फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर ऐड मनी कर सकते हो। तो अभी तो मुझे 2500 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको दिखाने के लिए क्या ये ट्रिक वर्क कर रही है, मैं यहाँ पर 500 रुपये का जो लोड मनी है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने 500 यहाँ पर एंटर कर दिया है। ऐड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमारा जो पहले से ही एक क्रेडिट कार्ड ऐड है वो सिलेक्ट कर चुका है। और आप कोई न्यू क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं, यानी न्यू क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो मोर पेमेंट ऑप्शन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड में ऐड न्यू क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले से जो एंटर है। और यहाँ पर हमने अपने कार्ड को वेरीफाई करना है, यानी कार्ड का नंबर पूरा एंटर कर देना है, कार्ड की एक्सपायरी और CVV एंटर करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जिस भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पर एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। OTP एंटर करने के बाद में पेमेंट प्रोसेसिंग में जा चुका है, और ये पेमेंट कंप्लीट भी हो चुका है। देख सकते हो न्यू वॉलेट बैलेंस 500 रुपये हो चुका है, और पेमेंट मोड में भी आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड को हमने यूज़ किया है। तो आप भी इस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में फ्री ऑफ कॉस्ट में लोड मनी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको लिमिट भी बता दी कि आप महीने में 2500 रुपये कर सकते हैं। आप इसको अनलिमिटेड कैसे कर पाएंगे, इससे ज़्यादा कैसे कर पाएंगे, वो भी मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ, तो आखिर तक बने रहिएगा। अब बारी आती है कि ये जो अमाउंट हमने ऐड किया है इसे ट्रांसफ़र कैसे करना है। सो हमने जो यहाँ पर लोड मनी किया है इसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जो कि है मोबीक्विक बिजनेस अकाउंट। तो मोबीक्विक बिजनेस अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह और कुछ डिटेल्स देकर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है अकाउंट क्रिएट करने में, तो इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आपको लाइव मोबीक्विक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करके दिखाया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ प्ले स्टोर पर अपने मोबीक्विक एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर QR कोड का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, और जो QR कोड है इसको स्कैन करके आपने मोबीक्विक से पेमेंट रिसीव कर लेना है। यहाँ पर आप पर मंथ जो है 5000 रुपये तक रिसीव कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में वॉलेट मनी को। इससे ज़्यादा आप रिसीव करते हो तो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपको महीने में 5000 तक ज़रूरत है तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए जो हमने लोड मनी किया है उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो फिर से हम मोबीक्विक एप्लीकेशन में आ चुके हैं, यहाँ स्कैन एनी QR कोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ अलाउ का परमिशन हम दे देते हैं, और उसके बाद में उस QR कोड को स्कैन कर चुके हैं। देख सकते हो मेरा नाम ऊपर आ चुका है, और यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर कर देता हूँ जो कि मैंने 500 रुपये लोड मनी किया है। देख सकते हो ऑटोमेटिक से इन्होंने वॉलेट बैलेंस उठा लिया है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है, पहले से ही वॉलेट बैलेंस सेलेक्ट हो चुका है।
और यहाँ अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहो तो कोई कूपन कोड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए हम अप्लाई भी कर देते हैं, क्या पता इसके लिए हमें कुछ कैशबैक ही मिल जाए। तो कूपन कोड अप्लाई हो चुका है, यहाँ पर हम कंफर्म पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और ये देख सकते हो पेमेंट जो है हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमारा जो पेमेंट है कट हो चुका है और आप मर्चेंट में भी देख सकते हो हमारा जो पेमेंट है आ चुका है। सेटलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हो मैंने यहाँ से कितनी सारी पेमेंट जो है पहले रिसीव की हुई हैं। तो आप भी इस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 की ही जरूरत थोड़ी होगी, इससे ज़्यादा भी तो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अगर आपको इससे ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफर करना है तो आप 5000 रुपये तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं एक मर्चेंट के ऊपर। तो उसके लिए आपके पास में 2 मोबीक्विक अकाउंट होने चाहिए। तो आपके पास में जितने मोबाइल नंबर है उस पर आप मोबीक्विक का अकाउंट बना सकते हैं और हर एक अकाउंट में आप 2500 रुपए लोड मनी कर सकते हैं। तो 2 मोबीक्विक वॉलेट से एक मर्चेंट पर आप 5000 रिसीव कर सकते हैं और आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा क्रिएट करके इस ट्रिक का यूज़ करके अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।